अक्सर ऐसा होता है कि किसी चीज़ को लेके अगर मन के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, तो आपको नींद भी नहीं आती ढंग से। कुछ भाई लोगों ने इस चीज़ का टूर मांगा था, लेकिन फिलहाल ना ये और वो उन्हें चलाने के लिए ना मुझे चाहिए थी हाई बेस पावरफुल सप्लाई। मैंने बनवा ली है दूसरी। चलो 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 जल्दी चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूंगा हर उस भाई का जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा कि कंप्यूटर का टूर करवाओ। आज मुझे थोड़ी सी पावर और ताकत मिली इस वीडियो को रिप्रेजेंट करने की, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप समझ पाओ कि ये कंप्यूटर मेरे लिए क्यों खास है। पहली चीज तो गाइस ये कि ये भी उन्हें नायाब चीजों में से है जिसे मैंने खुद बनाया है। ये कंप्यूटर मैंने काफी सालों पहले बनाया था, और एक्चुअली जो मेरा ड्रीम है वो मेरा ड्रीम है लिक्विड कूल सिस्टम बनाने की, बेसिकली जो गेमिंग का होता है। जब मैं वो कंप्यूटर बना लूंगा गेमिंग वाला, तो मैं अडोबे प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग करूंगा और फिर प्रोड्यूस करूंगा फाड़ फाड़ वीडियोस। फाड़ समझ रहे हो, फाड़। फिलहाल के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर वीडियो एडिटिंग, हाँ, एयर है जो मैं चला रहा हूँ, सीख रहा हूँ फाइनल कट प्रो पे। तो कभी इस पे तो कभी उस पे, कभी इस पे उस पे, काम जल्दी हुआ करेगा, समझ रहे हो। अब बताता हूँ ये कंप्यूटर मेरे लिए क्यों खास है। काफी साल पहले की बात है, जब बच्चे गुठलियाँ चूस रहे होते थे, जब बच्चे कंचे नचा रहे होते थे, जब बच्चे लट्टू नचा रहे होते थे, तब मेरे पास एक कंप्यूटर आया घर में, पेंटियम 3। तो उस कंप्यूटर के अंदर एक प्रॉब्लम थी, जो भी तुम लोग इंस्पायर हो मुझसे, वही एक रीजन था जो आज मैं ऐसा हूँ। विंडोज XP का जमाना था, मैंने किसी जानकार के दोस्त को बुलाया, वो आया, उसने एक बार ठीक कर दिया विंडोज XP, फिर दोबारा उसने मेरे को एक हफ्ते नचाया ठीक करने के लिए, क्योंकि सिस्टम पायरेटेड विंडोज में बहुत जल्दी खराब हो जाता था, वायरसेस के बहुत चांसेस थे। फिर मैंने उस दिन सोचा यार इस बंदे ने भी तो कहीं ना कहीं सीखा होगा, मैंने कहा यार मैं ट्राई करता हूँ, और मैंने उस दिन ट्राई करा, अपने पूरे एफर्ट्स दिए और वो कंप्यूटर ठीक कर दिया। इवन एक्चुअली कंप्यूटर का साउंड कार्ड होने के बावजूद मैं इस टूटे फूटे से साउंड कार्ड को ज़रूर यूज़ करता हूँ, उसी में मेरा माइक कनेक्टेड रहता है। तो ये माइक मैं कुछ खास यूज़ तो नहीं करता हूँ, बट हाँ स्टिल यहाँ लगा रखा है। गूगल पे अगर कुछ सर्च करना होता है तो मैं इससे सर्च कर लेता हूँ वॉइस के थ्रू। कभी मुझे ब्लूटूथ चाहिए होता है, यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है, और कभी मुझे चाहिए होता है नॉर्मली मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। कंप्यूटर में इवन नीचे की तरफ दो साउंड कार्ड लगे, बट स्टिल मुझे स्विच करना पड़ता है इसे कॉक्स केबल को, तो इस रीज़न से मैंने यहाँ पे लगा रखा है एक स्लॉट छोड़ के, मैं इसे निकालता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। ये वाली तार जा रही है मेरे प्रिंटर की तरफ, प्रिंटर मेरे पास है कैनन का E510। तो जी हाँ, ये वाला प्रिंटर मैं बहुत बेरली यूज़ करता हूँ, खासकर तब जब नौकरी के लिए रिज्यूमे निकालने हो या फिर आपको गिव अवे देने हो, उसके लिए लेटर निकालने हो। यहाँ की तरफ मेरे पास एक छोटी सी USB स्टिक जो कि कंट्रोल करती है इस वायरलेस माउस को, जो मैंने 200 कुछ रुपए का मंगवाया था अमेजोन कैशबैक से, बड़ा सस्ता पड़ गया था मुफ्त का। इधर की तरफ मेरे पास दूसरा वाला माउस है, ये माउस मैं लाया था 750 रुपये का, बेसिकली ये गेमिंग के लिए था, GameDia उसका माउस है, तो ये मैं लेके आया था गेमिंग के लिए स्पेशली माउस। पता नहीं कितने सारे थे उसमें कंट्रोल लगे, बट आज तक मैंने खुद यूज़ नहीं करा इसे पूरा। इधर की तरफ जो कुछ भी मेरे पास है, इसे मैं बटनों को दबाने वाले यंत्र के नाम से जानता हूँ। तो बेसिकली कहानी ये है, ये कीबोर्ड मैं लाया था 2800 रुपये का, बहुत सारे दुनिया भर के मैट्रिक्स है, और अब ये कीबोर्ड दरअसल 4000 के आसपास हो गया। तो इसके अंदर एक मुझे जो अच्छी चीज़ें लगती है वो इसकी मैट्रिक्स है, ये ज़िब्रोनिक का कीबोर्ड है वैसे तो गेमिंग का, तो मैं लाया था। ये बहुत हैवी है एक्चुअली, मैं लड़ाई वड़ाई में भी काम आ सकता है, किसी को मारना हो, किसी का गला वाला काटना हो, यहाँ से इधर ब्लेड दे रखी है, पीछे की तरफ स्टैंड दे रखे हैं ऊंचे ऊंचे, यहाँ देख सकते हैं आप, तो इस तरीके के स्टैंडों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। गाइस यहाँ की तरफ मैंने कर दिया कंप्यूटर ऑन, यहाँ ऊपर की तरफ मैंने एक लाइट लगा रखी है, ये मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों लगाई थी, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी तो मैंने लगा दी एक लाइट यहाँ, और एक ऐसी ही सेम लाइट को मैं अपनी लाइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तुम्हारे भाई ने वहाँ लगा रखे काट पीट के स्पीकर, तो ये वाले स्पीकर असली क्रिएटिव के थे, बस इनका ट्रांसफॉर्मर ख़राब था, तो मैंने उनकी तारें निकाल के कनेक्ट कर दिया है उन्हें यहाँ लगे हुए मेरे कार के एम्पलीफायर से। पहले तो अब समझाना चाहूँगा इस कार का जो एम्पलीफायर है, इसकी कहानी ये है, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर माउंट कर रखा है, और वो जो पीछे आप देख सकते हैं उधर की तरफ, वो है इसकी पावर सप्लाई जो मैं लेके आया हूँ, मैंने लगाई थी। इससे पहले मैंने यहाँ पे 3 सप्लाइयाँ फूंक चुका हूँ ऑलरेडी, जो कि कंप्यूटर की SMPS की थी, फाइनली मैं लाया हूँ। सामने की तरफ जो ये देख सकते हैं आप, ये चलती है रिंग लाइट, ये एम्पलीफायर कनेक्टेड है इस एक वूफर से, जो कि ये वूफर दरअसल पाइनियर का है,
और ये पायनियर का जो मॉडल है वो मैं नीचे दे दूंगा। बाय द वे ओरिजिनल है, तो दो के दो दो पायनियर लगा रखे मैंने, पहला ये। दूसरा एक यहाँ की तरफ जो कि मेरे पास है इस तरीके की कुछ म्यूजिक वाली पेटी, ये मैंने खुद पेंट मारा था बाय द वे। ये वाली लाइट इस एम्पलीफायर से कंट्रोल होती है। तीसरा मेरा जो सबवूफर है वो यहाँ रखा हुआ है जस्ट राइट देयर, वो मेरा हेड ड्रायर है, उस पर नजरें मत मारना, उससे मैं जुल्फे लहराता हूँ। आज से 4-5 साल पहले मैंने ये एक मेरे भैया हैं उनसे छीने थे, तो मतलब छीने गया था, फ्री में नहीं लिए थे यार। 5.1 जो कि मैंने लिए थे ये उस टाइम 2500 रुपये के सेकंड हैंड। तो तब से आज तक आई नो वेरी वेल कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट डील। जो फुल पे भी चलाओगे ना, 50 पे चलता है, इससे नीचे नहीं चलाता इसे, और इसकी फुल है तो 50 पे भी चलाते हो कभी कोई परेशानी नहीं आती। मैंने बंद कर रखे अपने सारे बड़े वाले वूफर, ये वाला और वो वाला जो उधर पड़ा हुआ है, तो इसको मैं फिलहाल प्ले करूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे आईबॉल बूस्टर पे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आईबॉल बूस्टर चलाता हूँ। इतने की बात करूँ तो इतने में किसी आम आदमी को तसल्ली हो जाती है ये होम थिएटर एनफ है एक ठीक ठाक लिविंग रूम में चलाने के लिए। लेकिन हम जैसे लोग, मेरे जैसे लड़के को कहाँ तसल्ली। तो फिर कनेक्ट करते हैं सप्लाई। और मैं एक चीज़ बता दूं, जो बेडरूम की साउंड होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, हमारी 60 डेसिबल के आसपास होती है, डीबी जिसे कहते हैं। तो मेरे जो रूम है, जब मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने एम्पलीफायर को बाकी सारे के सारे वूफर्स के साथ, तो जो उसकी साउंड होती है वो जाती है इंडस्ट्रियल साउंड, यानी जितनी फैक्ट्रीज की साउंड निकलती है इतनी ऊँची, 100 डीबी के पार। हाँ बुरा है, थोड़े से मोहल्ले वाले दुखी होते हैं, लेकिन मैं बहुत बेरली चलाता हूँ उसे कम आवाज़ में, बहुत शरीफ इंसान जो नहीं, इतना भी नहीं हूँ, चलाता हूँ जब मन करता है, सीधी सी बातें। अब बता दूं, यूजली मैं यूज़ करता हूं इस कंप्यूटर को फॉर स्टोरिंग डेटा, वॉचिंग मूवीज़ जो मैं बहुत ही कम देखता हूं। तो भाई अगर कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, वो है ड्यूल कोर 4GB 2GB ग्राफिक कार्ड, जिसके अंदर लगी हुई है 5 हार्ड ड्राइव, 7 फैन, साथ के साथ सब कुछ कस्टमाइज अंदर पेंटेड है। जो मदरबोर्ड है वो है MSI का G31, उसके अंदर अब एक भी स्लॉट ऐसा खाली नहीं है जिसके अंदर मैं कुछ लगा सकूं। पावर सप्लाई जो मैंने लगा रखी है वो है कूलर मास्टर की थंडर, जो कि एनएफ होती है सप्लाई देने के लिए गेमिंग के 4-5 ग्राफिक कार्ड्स को। तो मैंने उसकी जगह क्या किया, जो भी मेरी पुरानी ID और SATA ड्राइव्स थी जो पहले चलती थी, हाँ मेरे पास फिलहाल SSD नहीं है, अगर SSD आएगी तो मैं एक परेशानी जूझता हूँ, जो डेटा जो रीड करने की स्पीड होती है ना वो SSD से तेज़ हो जाती है, या फिर एक ड्राइव में सारा डाटा हो तो तेज़ हो जाती है, ये यहाँ पे बिखरा हुआ है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट अगर किसी दिन एक हो जाएगी, सारी हार्ड ड्राइव निकाल दूंगा, एक लगा दूंगा, मक्खन चलेगा एकदम। मैक्सिमम जितने इक्विपमेंट लगा सकता था, 4GB रैम है तो वो फुल कॉन्फिगर है भाई, 2GB ग्राफिक कार्ड लगा रखा है, उसी ग्राफिक कार्ड से ये डिस्प्ले स्ट्रीम होती है, जो ऊपर मैंने डिस्प्ले लगा रखी है ये भी डिस्प्ले स्ट्रीम होती है, तो दोनों डिस्प्ले इसी से चलती है बेसिकली। अरे मार दिया रे, तोड़ दिया तो मार दिया रे, चलो ठीक है। वहाँ की तरफ मैंने लगा रखा 720p का लॉजिटेक का कैमरा वेब कैम। बनाने बनाने में ना एक क्या होती कहानी, जाओ और मार्केट से जाओ महंगा महंगा गेमिंग का सामान ले आओ और बना दो। लेकिन मेरे साथ कहानी ना तो बिल्कुल ही अपोजिट थी, पैसा था नहीं तो मैंने ये आधे ज़्यादा सामान ना कबाड़े से इकट्ठा करा। हमारे दिल्ली में तो नेहरू प्लेस और डिस्ट्रिक्ट सेंटर जैसी मार्केट फेमस है फॉर कंप्यूटर, तो अगर हम वहाँ गए, वहाँ जाके आपने बोला कि भाई मुझे ये चाहिए, जाते और ले आते सामान। लेकिन हाँ मेरी इच्छा है कि एक ना एक दिन इसको वाटर कूल सिस्टम ज़रूर बनाऊंगा, जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से खींचूंगा और इसके अंदर एक ना एक दिन एडिट करके दूंगा वीडियो Adobe प्रीमियर प्रो पे। तो प्रीमियर प्रो थोड़ा महंगा आता है हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस कंप्यूटर की, तो इस कंप्यूटर को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगी है। इसके अंदर 7 पंखे जो लगे हुए हैं, वो 7 पंखे चलाने के लिए मैंने अलग से ट्रांसफार्मर लगा रखा है। ये जो नीचे CPU रखा है ये सिर्फ दिखने में छोटा है, इसके अंदर ना 1 इंच भी जगह नहीं है।
ये तो पूरा म्यूजिक और साउंड टूर और मेरी डिस्प्ले टूर तो ठीक था, लेकिन अब अगर कहोगे कि इस पूरे को खोल के दिखाना है तो भाई नीचे कमेंट डाउन करो, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सामने दो वेंटिलेशन के फ़ैन है, पीछे दो हैं, साइड में ऊपर नीचे, तो हर तरफ एक ऐसा बना रखा है मैंने कि कंप्यूटर कभी हीट नहीं होता। तो अगर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, बताना। अगर म्यूज़िक की बात करूँ, म्यूज़िक सिस्टम बहुत हैवी है, इंडस्ट्रियल साउंड जितनी आवाज़ देता है, लिटरली बताऊँ बेस हिलाता है घर, कमरा, मोहल्ला, छत, सब, समझ रहे हो। तो कमेंट डाउन करो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर और सारी वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो। और ये भी बताना कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ फनी लगा हो या कुछ और चाहिए हो। 7 फैन जो लग रहे हैं वो 7 फैन अलग अलग लगे हुए हैं विद 1 सिंगल ट्रांसफार्मर जिसपे वो सारे चलते हैं। 12 वोल्ट की मुझे सप्लाई देनी थी तो मैंने दे रखी ट्रांसफार्मर से। पहले इसमें लाइटें लगा रखी थी तो कुछ ज़्यादा ही मैस हो गया था, तो मेरे को उसे थोड़ा सा निकालना पड़ा। देखो मैं नहीं कहता दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्टेस्ट सेटअप एवर इन दिस वर्ल्ड, मेरे से भी गुरु बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं स्टिल कहता हूँ कि अगर किसी को अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ लाइक दे जाना। बर्थडे में अब मुझे मिल गया एक वहाँ पे रखा हुआ जेबल का ब्लूटूथ, तो अब मैं उसे यूज़ करता हूँ, मुझे इतनी इस ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये म्यूज़िक सिस्टम के तरीके से ये है घर हिलाने का यंत्र। अगर चाहते हो ना इसे खोलूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और देखने के लिए, मुझे स्टे ट्यून रहने के लिए, ऑन एंड ऑन सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून विद द चैनल, पीस आउट।